क्या हाल है आप सबके। एक बार फिर एक के खान किचन में हम जो है सैरी के लिए एक ज़बरदस्त सी झटपट बनने वाली रेसिपी रेडी कर रहे हैं। और ये रेसिपी जो है हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे दादा दादी नाना नानी, उनके रोज़े होते हैं। और वो लोग जो है काफ़ी सारे जो हमारे पेरेंट्स और दादा दादी हैं वो लोग जो है मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है। तो हम आज की जो रेसिपी बना रहे हैं ये बिल्कुल उसी हवाले से है और जो है ये हम उनके लिए ही बना रहे हैं। तो ये आप ज़रूर ये वीडियो मेरी देखिएगा और ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही झटपट और बहुत ही हेल्पफुल है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है रमज़ान में। और जब ये वो ये रेसिपी ट्राई करेंगे और ये लेंगे सैरी में एक बाउल, जब वो ले लेंगे तो वो जो है ना पूरा दिन उन्हें प्यास, ना ही उनको प्यास लगेगी और ना ही उनको भूख लगेगी। ठीक है व्यूअर्स, मैंने दो ग्लासेस ले लिए, एक में मैंने स्ट्रॉबेरी जेली जो है मैंने बेस में लगा दी थी इसके, और दूसरे में मैंने इंजीर ऐड कर दिया था। अब इस इंजीर वाले बाउल में जो है हम ये बनाना भी ऐड कर देंगे। आप इसमें अपना फेवरेट कोई सा भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, मिक्स फ्रूट जो कैन में आते हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बनानास को ऐड कर दिया है इसमें, नासों को हमने साइड पे कर दिया। यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम जो है वन पैकेट जो है फ्रेश क्रीम का ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से बीट करेंगे। हम इसको बिल्कुल फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे, फ्लफी नहीं करेंगे, बस हल्का सा हम इसे बीट करेंगे। यहाँ देखें व्यूअर्स, यहाँ मेरे पास जो है तकरीबन हाफ कप जितना योगर्ट है और यहाँ ये हम ये वाला योगर्ट जो रेडीमेड हमें मिलता है वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इस डिश में जो है ये योगर्ट ही इस्तेमाल होगा, इसमें पानी नहीं होता। हम क्रीम में तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना